हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एग्जाम वर्ड। आज की इस वीडियो में जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम लोग सॉल्व करेंगे जामिया का एमए पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर था उसको डिस्कस करेंगे कि कैसा पेपर आया, क्या उसका पैटर्न था, किस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड थे, कैसे आए तो, और उसके जो आंसर राइटफुल आंसर्स थे हमारे पास स्क्रीन पर है उसका सेट दी। आई गेस मोर और लेस द क्वेश्चंस आर सेम। सो आज हम इसको एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या उसका आंसर्स हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो, क्योंकि अभी डीयू, बीएचयू और जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटीज का एग्जाम होना बाकी है। तो अभी एग्जाम का जो सीजन है वो जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो इससे हम आपको एक आइडिया लगेगा पैटर्न्स का कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, Who defined democracy as the government of the people, by the people and for the people? ये सबसे easy definition of democracy है। इसे हम लोग सीधा अपने NCERT days से पढ़ते आ रहे हैं और ये बहुत famous definition of democracy है, जो कि दी थी हमारे को अब्राहम लिंकन ने, जो कि US president थे। तो ये definition कई बार पूछी जा चुकी है इससे पहले भी examinations में। जब हम लोगों ने क्लास में डेमोक्रेसी जैसा चैप्टर कवर किया था तब भी उसकी पहली लाइन ही ये थी जिसमें बताया गया था कि ये लाइन किसने दी है। ओके, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। द ह्यूमन राइट्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 10th दिसंबर, बिकॉज इसी दिन ह्यूमन राइट्स कमीशन आई थी, चार्टर जो था ह्यूमन राइट्स का वो पूरी दुनिया के सामने रखा गया था, इसलिए 10th दिसंबर को उस आइकॉनिक डे को कमेमोरेट करने के लिए, उसको हमेशा याद रखने के लिए हम ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन अप हियर इज, व्हेन डिड एनएचआरसी ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट। तो आप देख सकते हैं दोनों क्वेश्चन इंटरलिंक्ड है, तो अगर आपने एनएचआरसी वाला जो ह्यूमन राइट्स का क्वेश्चन पढ़ा होगा, आपने वो चैप्टर सॉल्व करके आए होंगे, तो आपके पास तुरंत आंसर आ जाएगा कि इट वॉज एस्टेब्लिश ऑन विच डेट। आई होप यू ऑल नो इट इज 1993। So in the year 1993 we had NHRC in India. Then next up we have, in which article the right to education is guaranteed in India? In which article right to education? सबसे पहले आपको ये identify करना है कि right to education एक fundamental right है। अब आप सभी को पता है कि वो under the fold of article 21 आता है, but यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि हमारे पास दो ऑप्शंस हैं जो आर्टिकल 21 की बात कर रहे हैं। वन इज आर्टिकल 21 एंड वन इज आर्टिकल 21A। तो द आंसर इज आर्टिकल 21A अंडर द 86th अमेंडमेंट। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था जिसके बाद ये आर्टिकल 21A ऐड किया गया इन द ईयर 2002, आफ्टर विच द राइट टू एजुकेशन वॉज गिवन। Moving further, the next question, Article 340 of the Indian Constitution deals with. अब हमें यहाँ पे देखना Article 340, Election Commission, no, UPSC, no, Finance Commission, no. The option C is missing, but the answer is option C, where it deals with making of bodies या committees जो कि अदर ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड कितनी भी कमिटीज बने या उनकी सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए जो कमिटीज बनती है, आर्टिकल 340 उससे डील करता है। आई होप आप लोगों ने नोट्स ध्यान से पढ़े हो, उसमें सारी चीजें मेंशन थी। अब तक जितने भी क्वेश्चन हुए वो सब आपके नोट्स से आए हैं, कोई भी उससे बाहर नहीं आया। नेक्स्ट अप वी हैव बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन का भी क्वेश्चन हम क्लास में सॉल्व किए थे, उसके डिस्कस किए थे कि कैसे कैसे अलग अलग कुछ रिमार्केबल जजमेंट सही है इन द इंडियन हिस्ट्री, इन द जुडिशियल हिस्ट्री, उसमें से था एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के कुछ भी हो जाए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हम चेंज नहीं कर सकते। सो दिस वॉज एजर्टेड इन द केशव नंदा भारती केस। सो द राइट आंसर इज बी। मूविंग फर्दर, Which article of Indian Constitution deal with the imposition of presidential rule? So this here has to be article 356, जिसमें तीन अलग अलग क्राइटेरिया दे रखे हैं कि क्या क्या प्रोविजन है जिसके बेसिस पे एक कंट्री में प्रेसिडेंशियल रूल इम्पोज किया जा सकता है। इट कैन बी बिकॉज ऑफ द इंटरनल इमरजेंसी दैट हैज कॉज्ड, क्योंकि अगर इंटरनली स्टेट्स में डिस्ट्रक्शन हो जाए, डिसआर्मनी हो जाए,
लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़े तब हो सकता है, इकोनॉमिक कॉलैप्स हो जाए किसी कंट्री में, इंडिया जैसी कंट्री में अगर फाइनेंशियल कोई हम लोग एडवर्सरी देखे, उस केसेस में अलग अलग उसमें कैटेगरीज मेंशन है कि किस बेसिस पे हमारी कंट्री में प्रेसिडेंशियल रूल हम इम्पोज कर सकते हैं। देन मूविंग फर्दर, द डीपीएसपी दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम राइट आफ्टर द फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, ये स्टेट्स के लिए कुछ गाइडलाइंस की तरह काम करती है कि एक स्टेट को रन करने के लिए उन्हें क्या क्या प्रिंसिपल्स, क्या क्या डायरेक्टिव्स जो है फॉलो करने चाहिए। सो ये जो हमने फीचर है ये किससे लिया था? दिस फीचर वॉज टेकन फ्रॉम आयरलैंड, इट वॉज टेकन फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। एंड एज यू ऑल नो कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसे हम लोग बोलते हैं इट इज अ बैग ऑफ बोरोइंग। व्हाई बैग ऑफ बोरोइंग? बिकॉज हम लोगों ने जब ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना, अलग अलग कंट्रीज के बेस्ट प्रोविजंस थे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को अच्छे लगे, वहां से पिक ऑन किया और उसके बेसिस पे ये कॉन्स्टिट्यूशन बना। देन नेक्स्ट, व्हाट इज द अपर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर? मेक श्योर यहाँ पे वो स्टेट लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं एंड नॉट द सेंट्रल लेजिस्लेचर और द पार्लियामेंट कॉल्ड। इट इज नोन एज, एनी आइडिया हियर? It is known as Legislative Council and sometime also as Vidhan Sabha. Sorry, Vidhan Parishad. So it is also known as Vidhan Parishad. अगर Legislative Council की जगह कभी question में Vidhan Parishad भी आएगा, so it is the same thing. Okay? Then next, when was the World Trade Organization set up? It was set up in 1995 on the 1st of January. और उसका मेन गोल ही ये था कि जितना भी ट्रेड है, रेगुलेटरी है, ट्रेड टेरिफ्स है, इंटर ट्रेड है स्टेट्स के बीच में, उसको रेगुलेट किया जाए, एक सिस्टमैटिक वर्ल्ड ऑर्डर को एट द लेवल ऑफ मार्केट्स एंड ट्रेड्स इंट्रोड्यूस किया जाए। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर क्लासिफाइड एज द ब्रिक्स? ब्रिक्स सबसे पहले तो एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है और ब्रिक्स के नेम से ही आपको पता चल जाएगा, इट स्टैंड्स फॉर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये पांच उसकी कोर कंट्रीज हैं एंड इट इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। देन सेकंड वी हैव द फाउंडर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल ऑफ थॉट। तो अभी तक आपने देखा कि जो यहां तक के 11 क्वेश्चंस थे they were basically from the constitution plus basic jo committees ya bodies hain usse। ab jo questions aap 12 ke aage dekh rahe hain, jo question aaya this is from public administration, so we can see ki at least 11 questions jo the usme constitution based aaye। next question that we have from here is public administration, so uska pehla question dekhte hain, the founder of scientific management स्कूल ऑफ थॉट, कि किसने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की, कैसे साइंटिफिकली आप चीजों को मैनेज करके बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हैं, सो हु वाज द पर्सन बिहाइंड दिस? इट वाज, एनी आइडिया हियर? एफ डब्ल्यू टेलर। Then next up is the dominant role in the developing of scientific management was played by, same question, you can just see ki language badli hai uski, jo question aapse upar pucha gaya tha wahi question aapse niche bhi pucha gaya hai, to iska answer bhi same as above, F W Taylor। Then next question, Hawthorne studies were mainly conducted by, Hawthorne एक experiment था जहां पे उन्होंने industries में, working places में थोड़ी थोड़ी चीजें change करी, कहीं पे कुछ भी change नहीं किया, एक comparative study करी देखने के लिए कि क्या उसमें changes आते हैं। So it was conducted by Alton Mayo plus there was another person known as W. Lloyd वार्नर। तो इनकेस अगर मेयो की जगह वार्नर का नाम आता तब भी आपका आंसर करेक्ट था, दीज टू पीपल वर इन्वॉल्व।
Then next, a theory suggesting that people are motivated by hierarchy of needs. Hierarchy of needs means कि आपके अलग अलग needs होती हैं जो कि as a motivating factor या motivating force work करती हैं किसी भी humans के लिए और उसी से वो काम करते हैं. So this theory was given by Abraham Maslow. और उसमें वो पांच motivating factors बताते हैं. One is सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो कि टॉप ऑफ द पिरामिड पे है. ही मेक्स इट अ पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे पिरामिड की तरह उसमें अलग अलग लेयर्स हैं. एंड देन सेकेंड इज एस्टीम, थर्ड सोशल फैक्टर्स, फोर्थ सेफ्टी एंड लास्ट वन इज फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स. तो इन केस अगर इस क्वेश्चन की जगह नेक्स्ट कभी एग्जाम में आ जाए कि कौन से पांच फैक्टर्स थे जो कि हायरार्की ऑफ नीड्स में वो एड्रेस करता है, यू शुड नो दैट दीज वर दोस फाइव फैक्टर्स. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन सिटीजनशिप कैन बी अक्वायर्ड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग. तो इंडिया में आप सिटीजनशिप कैसे अक्वायर कर सकते हैं? सबसे पहले तो बाई डिसेंट, कि आपके जो पेरेंट्स थे, ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो इंडियन है तो बाई डिसेंट आप भी इंडियन हुए. By naturalization, कि naturally you are born Indian. By registration, कि अगर आप एक Indian citizenship के लिए apply करते हैं, there is a certain criteria, कि आप इतने time से इतने time तक Indian citizenship के लिए eligible हैं, कि आपने 5 साल 10 साल इंडिया में बिताए हैं, you are put in here, तो ऐसे करके भी आप acquire कर सकते हैं. So the answer is the all of the above, कि आप इनमें से किसी भी way से citizenship acquire कर सकते हैं. In which year the Central Bureau of Investigation, that is CBI, was established? So the answer is C, 1963, 1st of April. So आप देख सकते हैं कि जो आपके normal question based on PubMed थे वो खत्म हो गए. Hardly we had 5 questions from public administration. Now जो India में normally जो India के रूल्स एंड रेगुलेशन बेस्ड है उन पे बात आ गई. फॉर एग्जाम्पल सीबीआई, फॉर एग्जाम्पल कैसे आपको वहां पे सिटीजनशिप मिल सकती है. सो 5 क्वेश्चंस ऑलरेडी फ्रॉम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्लस 11 क्वेश्चंस फ्रॉम बेसिक ग्रुपिंग्स, एनएचआरसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फास्टेस्ट इंडिजीनियस ट्रेन कोड नेम एज ट्रेन 18 वॉज रीनेम्ड एज, इट वॉज कॉल्ड वंदे भारत एक्सप्रेस. ये आपका जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, क्योंकि 2019 में जो उस वक्त मिनिस्टर थे पीयूष गोयल, उन्होंने जो ट्रेन 18 जो इंडिया की खुद की बनाई गई ट्रेन थी और काफी फास्ट उसका पेस था, तो उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया? वंदे भारत एक्सप्रेस. नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर. याद रखिये, फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर एंड नॉट प्राइम मिनिस्टर. कभी कभी हम लोग बहुत जल्दी जल्दी में पेपर पढ़ रहे होते हैं, एंजाइटी होती है हम लोगों को, तो हम ये चीजें भूल जाते हैं कि पेपर पूछ क्या रहा है. तो इट इज सीएम, नॉट पीएम. तो इसलिए जो इंदिरा गांधी वाला ऑप्शन है वो रूल आउट हो गया, तो बाकी 3 आपके पास सीएम बची. तो इसमें से आंसर, योर आंसर इज डी, सुचिता कृपलानी, जो की इंडियन नेशनल कांग्रेस से थी, कांग्रेस पार्टी की थी, और 1963 में उनको उत्तर प्रदेश का सीएम बनाया गया था. सो उत्तर प्रदेश की पहली विमेन सीएम कौन है? सुचिता कृपलानी, और ना कि मायावती. बहुत से लोग इस चीज में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, बट इट वॉज सुचिता कृपलानी, और जो कि पूरे इंडिया में सबसे पहली सीएम थी जो कि एक विमेन थी. नेक्स्ट, विच विल बी द होस्ट कंट्री ऑफ G20 एनुअल समिट 2023. द आंसर इज इंडिया. इंडिया को 2022 में उसने उसका जो लीडरशिप है वो संभाली है, और अब 2023 में इंडिया उसको होस्ट करेगा G20 समिट को. अभी तक कोई इंडिया में एक फाइनल प्लेस डिसाइड नहीं हुआ है. स्पेकुलेशन आर कि मे बी ये जो समिट है इस बार इंदौर में हो, क्योंकि इंदौर इज वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज इन इंडिया. तो अगर सब कुछ एज प्लान चला तो वो समिट इंदौर में होने का अनुभव हो सकती है, अनुमान है. नेक्स्ट इज होम रूल लीग वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय. अब होम रूल लीग क्या थी? इट वॉज अ वेरी शॉर्ट लिव्ड ऑर्गेनाइजेशन जो ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस, जो इंडिया का इंडिपेंडेंस स्ट्रगल चल रहा था उस दौरान बनाई गई. सो द आंसर इज तिलक. बट एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली कि एक सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी बाय
any basin. तो अगर ऑप्शन में बाल गंगा तिलक की जगह एनी बेसेंट होता तो आपका आंसर होता एनी बेसेंट, क्योंकि उन्होंने भी सेम नाम रखा होम रूल लीग. ओके, देन नेक्स्ट इज पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरीज इज एन एंट्री इन. पब्लिक हेल्थ हमेशा आपके स्टेट लिस्ट में आता है. आप कैसे इस चीज से लगा सकते हैं, इस चीज को कैसे याद रख सकते हैं कि हर स्टेट के पास अपने हॉस्पिटल्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी जब COVID-19 आउटब्रेक स्टार्ट हुआ तो हर स्टेट ने क्या किया, अपने यहाँ पर जितने भी हॉस्पिटल्स थे, जितने भी वार्ड्स थे, उनका जांच किया कि कैसे क्या क्या वहाँ पे फैसिलिटीज है या नहीं है. ऑन ग्राउंड वर्क स्टार्ट हुआ. तो आप इसे याद रख सकते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं कि कभी भी पब्लिक हेल्थ हो, सैनिटेशन हो, ये सब काम हो, ये हमेशा स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं. एंड दिस वॉज एज पर द 7th स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर और कोई क्वेश्चन पूछे इसी के रिगार्डिंग, सो इट इज मेंशन इन द 7th स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि कैसे किसके अंदर कौन सी चीजें आएंगी. नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड कंपोज्ड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमिटी 1955. इट वाज स्टार्टेड मेड इन 1953 बट उसकी रिपोर्ट जो थी वो फाइनलाइज होके 1955 में आई. अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, किसकी चेयरमैनशिप के अंडर था, इट वॉज एस फैजल अली जिन्होंने सजेशन दिया कि जो इंडिया में अलग अलग स्टेट्स हैं उनको कैसे डिवाइड करना चाहिए. वी शुड हैव देम डिवाइडेड इन टर्म्स ऑफ 16 स्टेट्स प्लस 3 मेजर यूनियन टेरिटरीज. और उसका क्या क्या क्राइटेरिया था वो उसने उन्होंने इलेबोरेट किया. सो द पर्सन इन चार्ज वॉज फैजल अली. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लैंग्वेज एनश्राइंड इन द 8th स्केड्यूल. अभी हमने 7th स्केड्यूल की बात करी, अब हम 8th स्केड्यूल की बात कर रहे हैं ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज द लैंग्वेज ऑफ द स्टेट. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितनी लैंग्वेजेस हैं, 22 रीजनल लैंग्वेजेस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, जिसमें बेसिक इंडिजीनियस या रीजनल लैंग्वेजेस, एज यू कैन आइडेंटिफाई कि रीजन पे बेस्ड है. तो इसी से आप रूल आउट कर सकते हैं कि किसी भी इंडियन रीजन में इंग्लिश नहीं आती. इंग्लिश हमारी बाद में हम लोगों ने अडॉप्ट करी है अपने ऑफिशियल यूज के लिए, बट वो रीजन की लैंग्वेज नहीं है कि किसी एक रीजन में वो लैंग्वेज चली आ रही थी. आप देख सकते हैं अपर साइड में नेपाल है तो नेपाली लैंग्वेज हम लोग करते हैं, कश्मीर की ऑफकोर्स कश्मीरी लैंग्वेज एंड कोंकणी, ये तीनों लैंग्वेज हमने इंडिया के रीजन से डिराइव हुई है एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश. सो द आंसर इज इंग्लिश. नेक्स्ट, विच वॉज द फर्स्ट अरब स्टेट to sign a peace deal with Israel. It was Egypt. इसको हम लोग बोलते हैं कोल्ड पीस, क्योंकि अगर आपको इसराइल की हिस्ट्री और उसका ट्रेजेक्ट्री ट्रेस करें तो धीरे धीरे करके आफ्टर 1948 धीरे धीरे जैसे वो एज अ स्टेट क्लेम करा उसने आपको दैट इसराइल इज अ स्टेट ऑफ इट्स ओन, क्लेम्ड अ लैंड फॉर द ज्यूज. तो धीरे धीरे करके उसने क्या किया, कोशिश करी कि अब उसका डिप्लोमेटिक टाइज भी एनहांस हो. तो इजिप्ट वॉज द फर्स्ट स्टेट जिसके साथ अरब स्टेट फर्स्ट अरब स्टेट जिसके साथ उसने ये टाइज बनाए. सो मैनी पीपल से एक कोल्ड पीस था क्योंकि जो एक एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होती है टाइज में वो नहीं था. इट वॉज इन 1979 दैट दिस पीस डील वॉज साइन. नेक्स्ट, इंडियाज फास्टेस्ट इंडिजीनियस ट्रेन, अगेन द सेम क्वेश्चन, यहाँ पे एक रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन है, वंदे भारत एक्सप्रेस. टराई was established in the year 1997 to regulate telecom communication services in India. Yes, the TERAI stands for, आपको यहीं से आइडिया हो गया होगा कि वो बता रहा है it is for the telecommunication regulation. So the answer is D, telecom regulatory authority of India. क्योंकि आपको यहीं से आपके क्वेश्चन से ही इसका आंसर आ गया. If you are smart enough तो आप यहीं से उसको rationalize कर पाएंगे कि what should be the answer. It is telecommunication रेगुलेटरी, क्योंकि आपके क्वेश्चन में बता रहा है कि क्या पर्पस था उसका, टू रेगुलेट. सो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया. नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया स्टैंड्स एट प्रेजेंट देयर आर 25, बिकॉज कुछ कुछ स्टेट्स के जो हाई कोर्ट्स हैं वो किसी और के स्टेट्स के साथ शेयर कर रहे हैं, कॉमन है उसमें. So that is why we have at present total 25 high courts in India. Next,
lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, that is LGBTQ Pride Month, जो अभी हमने पिछले मंथ ही सेलिब्रेट किया था, is celebrated each year across the world to honor 1969 Stonewall Uprising in Manhattan. ये एक Stonewall movement हुआ था जिसमें सारे LGBT community क्योंकि लोग सामने आए, उन्होंने अपने rights को demand किया. US में बहुत important, बहुत prominent ये movement है. The month is celebrated. किस मंथ में सेलिब्रेट होता है? इट इज जून. आप देख सकते हैं सारे जीके जनरल अवेयरनेस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, क्योंकि जस्ट अभी मैंने बोला कि जून में ही अभी खत्म हुआ है प्राइड मंथ. आज जुलाई है और जून में ही खत्म हुआ था प्राइड मंथ और पूरे वर्ल्ड ओवर उसको सेलिब्रेट किया गया था. नेक्स्ट, द हीराकुड प्रोजेक्ट इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? इट इज इन द रिवर महानदी सिचुएटेड इन उड़ीसा. इट इज अ वेरी फेमस प्रोजेक्ट. अगेन कमिंग अ क्वेश्चन फ्रॉम जनरल अवेयरनेस जनरल नॉलेज और यू कैन से एनवायरमेंटल नॉलेज, क्योंकि आजकल एनवायरमेंटल नॉलेज बेस्ड भी काफी क्वेश्चन आने लगे हैं, विच इज गुड. मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊ, इट इज अ वेरी फेमस बुक. इज अ बुक रिटन बाय, द आंसर इज जिम कॉर्बेट. जिम कॉर्बेट वॉज अ फॉरिनर इन इंडिया जिसने क्या किया, अपना हंटिंग एक्सपीरियंस जो था इन द रीजन ऑफ कुमाऊ, जो इंडिया का कुमाऊ रीजन है वहां पे उसने काफी लंबे टाइम तक अराउंड बहुत लंबे टाइम तक एक्सप्लोर किया, वेंचर किया और ही वाज वेरी प्रो हंटिंग. उसको हंटिंग करना बहुत पसंद था जिम कॉर्बेट को. तो जब वो हंटिंग किया तो ही बेसिकली हंटेड बंगाल टाइगर्स एंड लेपर्ड्स. तो उनके साथ उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, हाउ इट ऑल वेंट, उसको उन्होंने रिकॉर्ड किया है. दिस बुक वॉज पब्लिश्ड इन 1944. So you can think, you can have an account कि कितनी पुरानी बुक थी, कि हम लोग इंडिपेंडेंट भी नहीं हुए थे and that's why he could hunt it, because उसके बाद हम लोगों ने हंटिंग पे रोक लगाई, काफी लॉज इन प्लेस आए. सो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के अंडर, फॉर द ब्रिटिशर्स ऑफ कोर्स देयर वर नो सच लॉज, सो दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी फेमस बुक, द मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊ. हियर दिस मैन ईटर्स आर बेसिकली बंगाल टाइगर्स एंड लेपर्ड्स. तो कभी कभार क्वेश्चन में और डिटेल में पूछ लेते हैं कि हु आर दीज मैन ईटर्स, यू शुड नो. नेक्स्ट अप वी हैव मैच द फॉलोइंग. ओके, तो मैच द फॉलोइंग स्टार्ट करते हैं. अब हम देख सकते हैं दिस मैच द फॉलोइंग इज फ्रॉम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एज यू कैन टेल फ्रॉम द बुक्स और फ्रॉम द थ्योरीज दैट आर गिवन हियर. सो सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट, अगेन अ रिपीटेशन, हमने ऑलरेडी दो क्वेश्चन करे साइंटिफिक मैनेजमेंट के एंड यू कैन इजिली आइडेंटिफाई इट वॉज एफ डब्ल्यू टेलर. सो फॉर वन वी हैव थ्री, फॉर वन वी हैव थ्री. सो मैच द फॉलोइंग में यही है कि अगर आपको एक भी पता है यू कैन मेक इट आउट. सो द करेक्ट आंसर इज 3142. सेकेंड देख लेते हैं. फॉर सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट वी हैव हेनरी फयोल. देन नेक्स्ट ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, वी ऑल नो हु दिस इज, मैक्स वेबर, क्योंकि उसने ब्यूरोक्रेसी पे बहुत एक्सटेंसिवली काम किया है. मैक्स वेबर की दुनिया भर की थ्योरीज ऑन ब्यूरोक्रेसी आई है, जिसमें वो प्रिज्मेटिक सोसाइटी मॉडल बता रहा है, कैसे कैसे जो आपको पेरोशियल सोसाइटीज है, सब्जेक्टिव कल्चर है, वो इवॉल्व हो रहा है, तो वो सबकी बात इसमें करते हैं. सो इट इज मैक्स वेबर. एंड लास्ट वन इज ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी, इट इज एल्टन मेयो. अगेन वन मोर मैच द फॉलोइंग. इसमें हमारे को डिस्कस करना है इलेक्टोरल प्रोसेस की, कौन सी कंट्री में क्या इलेक्टोरल प्रोसेस होता है. फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जो कि इंडिया में भी है, यूके में भी है, यूएस में भी है. सो वी शुड नो इट इज ए इज इक्वल्स टू यूएसए. देन बी सेकेंड बैलेट सिस्टम, एनी आइडिया किसी को द सेकेंड बैलेट सिस्टम? फ्रांस. सेकेंड बैलेट को हम लोग टू राउंड्स ऑफ बैलेट पैलेट भी बोलते हैं. तो कभी कभार इसकी जगह यहां लिखा होता है टू राउंड्स सिस्टम. सो सेकेंड बैलेट सिस्टम और टू राउंड सिस्टम इज द सेम. देन सी एडिशनल मेंबर सिस्टम, दिस काइंड ऑफ सिस्टम इज वेरी फेमस इन जर्मनी. पार्टी लिस्ट सिस्टम फ्रांस.
sorry, Switzerland. So this is our answer 3, 4, 1, 2. The option B, 3, 4, 1, 2. Next, who among the following said those who say that religion has nothing to do with politics do not know what religion means? अब इसमें अगर आपको नहीं भी आता है तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एम एन रॉय वॉज अ मार्क्सिस्ट, और जो मार्क्सिस्ट अंडरस्टैंडिंग होती है वो रिलीजन और पॉलिटिक्स को हमेशा अलग रखती है, वो कभी भी मोरालिटी या रिलीजन पॉलिटिक्स में नहीं लाना चाहते। बोस बहुत ज्यादा हार्डकोर रियलिस्ट थे, उनके लिए सिर्फ एंड्स जस्टिफाई द मींस था तभी वो आर्मी बनाने के लिए आगे बढ़े। अरबिंदो हमेशा एक स्पिरिचुअल लीनिंग रखे फ्रॉम अ रेडिकल टू अ स्पिरिचुअल लीडर, तो उनके में थोड़ा एक रेडिकल स्टैंड था इनिशियली, देन ही वेंट टू द पॉन्डिचेरी जेल जहां पे ही गॉट ट्रांसफॉर्म एंड ही बिकेम अ स्पिरिचुअल लीडर। इट वॉज गांधी हु अगेन एंड अगेन केप्ट सेइंग कि हम लोगों को क्या चाहिए, वी नीड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन इन द सेम प्लेस टू कीप द एथिक्स एंड मोरालिटी इंटैक्ट। सो द आंसर इज महात्मा गांधी। नेक्स्ट, अगेन वी हैव मैच द फॉलोइंग, वी हैव सर्टेन ऑथर्स एंड देयर बुक्स। इसमें यू नीड टू नो कि अगर आपको कौन सी बुक के बारे में पता है, जो भी आप बुक आइडेंटिफाई कर पाओ, फॉर एग्जाम्पल Spheres of Justice or Defense of Pluralism and Equality. This is a very famous book by Walzer. So we know B stands for 3. So iske base pe aap chaho to ek bar identify kar sakte ho. C. Here it is. So our answer should be B. Let's see. Yes, it is the right answer. Next is, which of the following is not a directive principle of state policy? Directive principles ki baat humne abhi upar dobara kari thi. Again, repetition. Right to educate means of livelihood. Protection of language, script, culture of minorities. The state shall endeavor to raise the level of nutrition and standard of living to develop cottage industry. See, jaise maine bataya aapko, DPSP ka larger goal ye tha ki kaise हमारा जो स्टेट है वो मैक्सिमम वेलफेयर दे सके अपने लोगों को, अपने सिटीजन्स को। तो एडुकेट मींस ऑफ लाइवलीहुड, यस इट इज देयर, क्योंकि आपको प्रॉपरली लाइवलीहुड देंगे तभी आप एक वेलफेयर स्टेट एस्टैब्लिश कर सकते हैं। देन दिस, कि आप लोगों को अच्छा लेवल ऑफ न्यूट्रिशन देंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देंगे, इट ऑल्सो कम्स अंडर द वेलफेयर स्कीम। और कॉटेज इंडस्ट्री इसलिए क्योंकि वी नीड टू डेवलप दीज काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज ताकि लोग अगेंस्ट लाइवलीहुड कमा पाए। So A, C and D are correct. Only B, protection of language, script or culture of minorities. This does not come under directive principles. Okay. Next question. Who is the editor or author of the book Politics and States in India? This is a very famous book written by the author Zoya Hassan. Reservation for the scheduled caste and scheduled tribes is in services. आपको टर्म क्या याद रखना है, सर्विसेज में। तो अलग अलग लेवल पर उनको रिजर्वेशन मिला है, बट किसके उनको किस लिए सर्विसेज में कब इनिशिएट हुआ, इट वॉज बाय आर्टिकल 335। सो द करेक्ट आंसर इज बी। द कंसेप्ट ऑफ लीग ऑफ नेशन वॉज कंसीव्ड विद द आइडियाज ऑफ, इट वॉज अंडर द आइडियाज ऑफ वुड्रो प्रिंस विल्सन, जब उन्होंने अपने 14 पॉइंट्स प्रिंसिपल दिए थे जिसमें ही सेज इट इज इम्पोर्टेंट कि वी शुड हैव अ ग्रुप, या ऐसा लीग ऑफ नेशन का जो आइडिया था वहीं से आया कि कैसे हम लोग साथ आके दोबारा वर्ल्ड वॉर को होने से, किसी भी तरह के एट्रोसिटीज को होने से रोक सकते हैं। सो आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, यूएस प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन गेव दिस कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट, इंडो बांग्लादेश रिलेशनशिप, इंडो बांग्लादेश मतलब इंडिया बांग्लादेश, वर रिस्ट्रेन्ड बाय बिकॉज वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन, मीन्स इनमें से कोई ऐसा रीजन था जिसकी वजह से उनके जो रिलेशन थे, इंटर स्टेट रिलेशन थे, वो थोड़े से खराब हुए। सो फर्स्ट इज अग्रीमेंट ओवर द क्लेम ऑफ एडवर्ड्स एनक्लेव, नो इट वॉज इजिली ट्रांसफर्ड, क्योंकि कुछ कुछ एनक्लेव ऐसे थे जो इंडिया का पार्ट थे और लेकिन वो आ रहे थे बांग्लादेश की टेरिटरी में, तो म्यूचुअल एक्सचेंज के थ्रू कुछ पार्ट इंडिया ने अपना बांग्लादेश को दिया और वहां से इन एनक्लेव को ले लिया। टू कंस्ट्रक्ट अखूरा अगरतला लिंक, वो भी बहुत पीसफुली हुआ। टू सेट अप बॉर्डर मार्केट अलोंग द बांग्लादेश मेघालय बॉर्डर, इट वॉज ऑल्सो स्ट्रेटेजिकली एंड पीसफुली डन।
लैव्स इज टीस्टा रिवर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन. यस, इसमें काफी डिस्प्यूट हुआ था. दिस वॉज अ डिस्प्यूटेड क्लेम और काफी लंबे टाइम तक चला कि गंगा वाटर को कैसे डिवाइड किया जाएगा, बिकॉज इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. तो जहां जहां रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट हो रहे हैं, रिसोर्सेज एट रिस्क है, वहां पे ऑलमोस्ट आप देखेंगे स्टेट्स में हमेशा किसी ना किसी तरह का कॉन्स्ट्रेंट या थोड़ा सा स्ट्रेस बिल्ड हो जाता है. ओके, सो द आंसर इज टीस्टा रिवर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन. नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ डिपेंडेंसी. सबसे पहले अगर कंसेप्ट ऑफ डिपेंडेंसी है, वी नीड टू आइडेंटिफाई विच थ्योरी इट इज. इट इज द थ्योरी नोन एज डिपेंडेंसी थ्योरी, द थ्योरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट बाय ए जी फ्रैंक, एंड्रे ग्रुंडर फ्रैंक, जिसने लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को स्टडी किया और स्पेशली आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड ये क्वेश्चन किया कि व्हाई दीज कंट्रीज आर स्टिल अंडर डेवलप. सो द क्वेश्चन आस्क्स, द कंसेप्ट ऑफ डिपेंडेंसी इवॉल्व इन 1960s. यस, इन द आंसर इज लैटिन अमेरिका. कि क्यों लैटिन अमेरिकन कंट्रीज अभी तक अंडर डेवलप्ड है. सो फ्रैंक सेज कि डेवलपिंग जो कंट्रीज है या जो डेवलप्ड कंट्रीज है वर्ल्ड की, उन्होंने एक डिपेंडेंसी कल्चर क्रिएट कर दिया है, जिसकी वजह से वो कभी भी इन अंडर डेवलप कंट्रीज को डेवलप होने के चांसेस नहीं दे पा रहे. ओके, देयर वाज अनदर राइट हियर इन पॉइंट, डिपेंडेंसी थ्योरी ऑफ डिपेंडेंसी व्हिच वाज गिवन बाय समीर आमिन. सो यू नीड टू सी कि कौन सा है, तभी आपको थोड़ा थ्योरीज पढ़ के जाना पड़ेगा कि अगर इंटरमिक्सिंग क्वेश्चन हो जाए तो आप लोग आइडेंटिफाई कर पाए विच वन इज द राइट आंसर. हियर बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट लैटिन अमेरिका, सो लैटिन अमेरिका वाली स्टडी ए जी फ्रैंक ने की थी. So it is easier for us to make out. Next, arrange the following in chronological sequence. Nehru Committee report, we have to identify the year also. Nehru Committee report was in the year 1928. Quit India movement, as we all know, 1942. Civil disobedience movement, 1930. Declaration of complete independence, not Indian independence, complete independence. So this was Purn Swaraj. कि आपका Purn Swaraj जब declare हुआ था, it was 1929. बहुत से लोग इसको complete करते confuse करते हैं with Indian independence, which was in 1947. वहाँ पे question में specifically mention होगा Indian independence. When they say complete independence, they means Purn Swaraj. So you can arrange by the number. You have to chronological order. So, सबसे पहले आपका नेहरू रिपोर्ट फर्स्ट, देन फोर्थ, देन थर्ड एंड देन सेकेंड. सो दिस हैज टू बी योर करेक्ट ऑर्डर, 1, 4, 3, 2. सो योर करेक्ट आंसर इज सी, 1, 4, 3, 2. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डू नॉट हैव अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर. Because it is up to the state discretion ki unhe chahiye ya nahi. In India, we have 6 states jahan par hoti hai. Those 6 states are UP, yes. Bihar, yes. Maharashtra, yes. Kerala mein nahi hai. What are the other 3 states? It is Telangana, Andhra Pradesh, and Karnataka. So these 6 states have a bicameral legislature. Okay. नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग. तो ये कुछ कॉन्स्पिरेसी केसेस थे और कुछ रेवोल्यूशनरीज थे जिनकी वजह से इनको पनिशमेंट मिली. फर्स्ट इज नासिक केस. नासिक केस इज लिंक्ड टू सावरकर. देन सेकेंड इज बनारस केस. द फेमस बनारस केस इज लिंक्ड टू. एनी आइडिया ऑन विच वन? It is linked to Sanyal. Then third, Kakori case. Kakori case is linked to Bismil. And D, Lahore case is linked to Bhagat Singh. So your correct answer has to be 4, 1, 2, 3. C option, 4, 1, 2, 3. Who is the author of Federal India, A Design for Change? Balveer Arora? No. K.C. Fiare? No. K.C. Fiare has a different idea of federalism in India, quasi-federalism wala jo tha idea. It is Rashiduddin Khan. Bahut famous book hai, bahut purani book hai, initially likhi gayi thi. It's a very classic book written by Rashiduddin Khan.
Who among the following has made pioneering contribution in the area of subaltern studies? Subaltern study means the study of the marginalized of the society. एक स्कूल ऑफ थॉट इमर्ज हुआ था इंडिया में जो ड्यूरिंग द कॉलोनियल पोस्ट कॉलोनियल आईआर पोस्ट कॉलोनियल थ्योरीज के डेवलपमेंट में सबल्टर्न स्टडीज रामचंद्र हुआ नो रजनी कोटारी इज बेसिकली इंडियन पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट इट इज रंजीत गुहा हु राइट्स अबाउट हिस्टोरियोग्राफी इन द सबल्टर्न स्कूल तो सबल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी के बहुत फेमस स्कॉलर हैं बहुत अच्छे एकेडमिशियन है रंजीत गुहा और काफी एक्सटेंसिवली उन्होंने इस पे काम किया ओके नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटैगनिस्ट ऑफ मैनेजरियल व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दैट मींस इनमें से किसने सपोर्ट नहीं किया है मैनेजरियल व्यू सो द आंसर हियर इज हेनरी फेयॉल बिकॉज हिज व्यूज वर नॉट इन द मैनेजरियल सेंस ओके Next is Hobbes' theory of social contract. It's explained in his book. Hobbes' his सबसे famous book Leviathan. Leviathan means sea monster. जिसमें he says that the state should be like a sea monster. उसको इतना ज़्यादा powerful होना चाहिए. And वहाँ पे he is giving his concept of social contract. So the answer is Leviathan. Prince is a book written by Machiavelli. And Republic is a book written by Aristotle. Next, two treatises of government was written by very easy John Locke. जैसे हम लोग liberalism start करना शुरू करते हैं पहले हम सबसे पहले Locke के बारे में पढ़ते हैं and then we write study about his famous book. The term globalization was coined by It was coined by Theodore Levitt. He was a professor at Harvard University. वहाँ पे बहुत famous professor थे and he started working on how businesses develop. और वहाँ पे he gave the word globalization and then it picked on and became a very prominent work in the discourse. Okay. Among the following journals and newspaper, which one is not associated? Here is he asking not associated with Gandhi. नवजीवन यस हरिजन यस यंग इंडिया यस ये तीनों सबको पता है कि आर एसोसिएटेड विद गांधी इट इज विटल विध्वंसक विटल विध्वंसक इज बेसिकली अ जर्नल जो कि अनटचेबिलिटी जैसे एक मुद्दे को या एक टॉपिक को एड्रेस करता है कि व्हाई अनटचेबिलिटी शुड नॉट बी प्रैक्टिस इट इज वेरी प्रो रिफॉर्म्स और इसको स्टार्ट किया था गोपाल बाबा इनकेस अगर आपसे नाम भी पूछा जाए तो Who among the following wrote an essay titled Rabindranath Tagore and Consciousness of Nationality? It was not Marx, not Hegel, not Popper. It was Isaiah Berlin who talked about Rabindranath Tagore and the consciousness of nationality. Who is the author of the book titled The Divine Life? Very easy question. इट वॉज Aurobindo बिकॉज जब Aurobindo अपने एक्सट्रीमिस्ट और रेडिकल फेज से निकल के एक स्पिरिचुअल फेज में जाते हैं और उनको स्पिरिचुअलिटी के वो प्रमोट करते हैं इट वॉज ड्यूरिंग दैट टाइम ही रोट दिस बुक द लाइफ डिवाइन जिसमें वो अपने आइडियाज को प्रमोट कर रहे हैं नेक्स्ट इज द बुक बिजक इज अ कंपाइलेशन ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग फ्रॉम विच पोएट फिलोसफर द आंसर इज कबीर बहुत फेमस है कबीर की बिजक जिसमें उनकी जितने भी दोहेज हैं टीचिंग्स हैं उन सबको कंपाइल किया गया है नेक्स्ट अप सत्य शोधक समाज वॉज फाउंड इन पुणे महाराष्ट्र बाय इट वॉज बाय महात्मा ज्योतिबा ज्योतिराव फुले महात्मा ज्योतिराव फुले ने सबसे पहले ही स्टार्ट किया था ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर इन द ईयर 1873 सत्य शोधक समाज नेक्स्ट Who among the following wrote the Arabic translation of Patanjali's Yoga Sutra? It was Al-Biruni. See, जरूरी नहीं है कि आपको सबका आंसर आता हो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां यू माइट फेस अ प्रॉब्लम तो उसमें आप लोग कभी कभार रूल आउट कर सकते हैं गैस ले सकते हैं और कुछ कुछ क्वेश्चन तो आपके गलत होंगे
बट द क्वेश्चन हियर द पॉइंट हियर इज कि आपको जो क्वेश्चंस आते हैं रेगुलरली रिपीट हो रहे हैं आप कभी उनके आंसर्स गलत ना करें. ओके नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर द बुक गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन. दिस इज अ वेरी फेमस बुक गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन. इट वॉज ऑथर्ड बाय राम मनोहर लोहिया. Who among the following was the founder of Brahmo Samaj? Everybody knows it. It was Raja Ram Mohan Roy, जिन्होंने अपने reformation, जिन्हें हम लोग बोलते हैं Bengal Renaissance, जो Bengal में Renaissance आया, उसकी जो father थे Raja Ram Mohan Roy, उन्होंने इतने सारे changes लाए, तो उन्होंने Brahmo Samaj की वो start किया था ताकि वो उसको एक reformation group की तरह आगे बढ़ाए. Who won the bid to construct the new Parliament building? It was very much in the news. It was given to Tata Projects Limited. So Tata Projects Limited won the bid. Who among the following said that Article 32 of the Indian Constitution is the heart and soul of the Constitution? It was Dr. Bhimrao Ambedkar. This is something we have always studied in our notes and during our class as well when we were studying Constitution. Critique of Pure Reason, very easy question. Immanuel Kant, because Kant criticized kaise pure reason, also known as द फर्स्ट क्रिटिक. कभी कभार इस बुक का नाम ऐसे भी लिखा आता है फर्स्ट क्रिटिक. सो प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज. इधर इट्स फर्स्ट क्रिटिक और क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन. द बोथ द बुक्स आर रिटन बाय इमैनुअल कांट. द बुक इमेजिन कम्युनिटीज रिफ्लेक्शंस ऑन द ओरिजिन एंड स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म. बेंड्रिक एंडरसन, जिसमें वो बताते हैं कि यू आर फोर्स्ड टू इमेजिन योर सेल्फ एज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर कम्युनिटी. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम हियर सिटिंग इन दिल्ली, you are watching my video from any part of the world, any part of India, so I would know ki you are similarly as a more an Indian like me as much as I am an Indian, so I am imagining you to be part of my community. So unke liye nations kya hai, basically it is an abstract idea jo hamare dimag mein hai ki we are part of the same community. So either if I am sitting in Delhi, somebody sitting in Kashmir, Telangana, Uttar Pradesh, Assam, Bihar, all over the India is same Indian as me. So this is the idea of imagined communities that he is proposing. So it was a very famous book made by Bendik Anderson. Who among the following described the Congress Party in Constituent Assembly as the master of the assembly? This was done by Granville Austin, who is an American historian, jinki sabse famous kitab ka naam hi ye hai Indian Constitution. A cornerstone of a nation, जिसमें he takes upon the Indian Constitution, उसको study करते हैं. वहाँ पे he has referred to Congress Party as a master party, या master of the assembly, because majority of the people who were in that assembly, in that Constituent Assembly, had their links in the Congress. तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि they are by default the master of the assembly. Next, black skin, white mask. is a very famous book written by Franz Fanon, who is also a post-colonial scholar, जिन्होंने हमारे को negritude का concept दिया कि कैसे post-colonial societies में अभी तक जो imprints है, colonial imprints, जो bureaucratic imprints है, वो लोगों के mindsets में रह चुके हैं, वो अभी तक fully free नहीं हुए हैं. Another book by him was The Wreckage of the Earth. Which philosopher multi-volume collection of essay written in prison is known as prison books, prison notebook? It was Antonio Gramsci, because he is an Italian thinker, scholar. Us waqt Italy mein tha, we had Mussolini ka rule. So Mussolini jitne bhi intellectual class thi ya jitne bhi log uske rule ko oppose kar rahe the, against fascism likh rahe the, unko jail mein dal diya. Gramsci being a Marxist was one of them. तो जेल में बैठे बैठे छोटे छोटे मैन्युस्क्रिप्ट्स, छोटे छोटे पेपर्स पे ही यूज्ड टू राइट दीज थिंग्स, हिज थॉट्स, हिज आर्ग्यूमेंट्स, एंड स्मगल देम आउट ऑफ द जेल. तो लास्ट में उनको कंपाइल किया गया, जिसको कहते हैं प्रिजन नोटबुक. ओके, ऑल्सो इफ ग्राम्सी इज हियर, यू शुड नो अबाउट हिज फिलोसफी ऑफ प्रैक्सिस, द आइडिया ऑफ कल्चरल हेजिमनी, क्योंकि अगर कभी कभार ग्राम्सी से इस लेवल के भी क्वेश्चन आ जाते हैं. Peaceful coexistence between USA and USSR was initiated by, it was Brezhnev during the Detente.
पीरियड द फेमस डिटेंट पीरियड, जिसमें दोनों के बीच में एक पीसफुल पीरियड आया, बहुत सारी ट्रीटीज साइन की गई ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर. ओके नेक्स्ट इज प्रेस्ट्रोइका वॉज इनिशिएटेड बाय प्रेस्ट्रोइका, दैट मीन्स ओपननेस एंड रिस्ट्रक्चरिंग. अनदर थिस थिंग वॉज ग्लासनोस्ट, जिसका मतलब है ट्रांसपेरेंसी. ये दो मेजर रिफॉर्म्स थे जो गॉर्बाचेव ने यूएसएसआर में इनिशिएट किए थे, प्रेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट. द ऑथर ऑफ फेमस बुक टाइटल न्यूक्लियर वेपन्स एंड फॉरेन पॉलिसी, दिस इज अ वेरी फेमस बुक रिटन बाय हेनरी किसिंजर, जिन्होंने ऑलमोस्ट ऑल डिप्लोमेटिक रोल्स प्ले किए हैं फॉर द यूएस. उनकी बहुत फेमस बुक है न्यूक्लियर वेपन्स एंड फॉरेन पॉलिसी, वेयर ही डिस्कस की हाउ न्यूक्लियर वेपन्स आर इंक्रीजिंगली बिकम अ पार्ट ऑफ द फॉरेन पॉलिसी कल्चर. ओवाईसी, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट्स, इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, इट कंप्राइजेस ऑफ टोटल 57 स्टेट्स एंड आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स. On 1st February 2021, recent baat hai kafi, one of India's neighboring countries' democratically elected government was removed and military coup took place. Which country is that? It was Myanmar. Kyunki Myanmar mein recently, subah-subah, early in the morning, we saw videos coming ke there have been a military coup aur jo wahan ki established government thi usko overthrow kar diya gaya. Who was, एक मिनट, ऊपर वाले का आपको आंसर ना भी आता हो, यू कैन ऑलवेज मेक आउट फ्रॉम द ऑप्शंस, क्योंकि अफगानिस्तान में देर वॉज नॉट अ पीसफुल गवर्नमेंट या इलेक्टेड गवर्नमेंट, देर वॉज ऑलवेज सम क्राइसिस. नेपाल में द थिंग्स आर वेरी मच इन इंटैक्ट. श्रीलंका में इट इज एन इकोनॉमिक क्राइसिस जो अभी चल रहा है, इट इज नॉट अ मिलिट्री टेक ओवर, इट वॉज म्यांमार. देन हु वॉज अवॉर्डेड नोबल पीस प्राइज फॉर द ईयर 2021, it was Maria Ressa and Dmitry Muratova. Kis liye? Because they facilitated or they fought for freedom of expression in their countries, Philippines and Russia. To uske liye unko Nobel Peace Prize mila. German reunification occurred in, it was in 1990. Right before the falling of USSR. Next up, Cuban Missile Crisis occurred during, it was during the famous Kennedy era in 1962, the 13 crucial days, जिसको हम लोग बोलते हैं 13 days of October. इस पे काफी सारी documentaries and books लिखी गई हैं जिन्हें हम 13 days of October भी बोलते हैं. It was between 16 October to 28 October 1962. The famous Cuban Missile Crisis. Next, International Court of Justice is located at, it is located at The Hague, Netherlands. Yehi iska headquarters hai. Next, United Arab Emirates, UAE, is a federation of how many emirates? It is a federation of 6 emirates, jisme kaun kaun si? सबसे फेमस तो अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, उमा, अल क्वैन एंड फुजारिया. ये 6 मेजर फेडरेशन या एमिरेट्स जिसे आप बोलते हैं वो यूएई का पार्ट है. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बीआरआई, जो कि हमेशा न्यूज में रहता है, is a transcontinental program which aims at providing infrastructure development. We all should know it is by China. Bahut easy question hai, itna zyada is pe articles, newsletters, books aa chuki hai ki kaise BRI is putting both China and other countries in debt. It is a very aggressive policy pursued by China and India has countered it. India did not sign it and India has rather opposed BRI because wo India ki sovereignty pe khatra hai. FATF is an intergovernmental watchdog to combat money laundering, जिसने अभी
पाकिस्तान को भी ग्रे लिस्ट में रखा था और पाकिस्तान वॉज अबाउट टू बी ब्लैक लिस्टेड, और बोला गया था कि अगर आप अपने यहाँ करप्शन लेवल कम नहीं करेंगे, चेंजेस नहीं लाएंगे, टेररिस्ट फंडिंग्स को नहीं रोकेंगे तो वी विल पुट यू इन ब्लैक लिस्ट और कोई भी फिर आपको स्टेट हेल्प नहीं करेगा. ऑल्दो पाकिस्तान इम्प्रूव्ड एंड रिसेंटली इट हैज बीन रिमूव फ्रॉम द ग्रे लिस्ट. ओके, सो इसका क्या नाम है पूरा, इट इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. इट वॉज एन इनिशिएटिव बाई G7 कंट्रीज. It started in 1980s. Okay. Bretton Woods conference was concluded in Bretton Woods, जिसकी वजह से हमें IMF and IBRD, which later became World Bank, मिला. It was concluded in 1944 July. Date 22. Versailles Peace Conference was held in. It was held in B 1919. At it went on till 1920. So the starting year is 1919. Rise and Fall of Great Powers, a very famous book for IR scholars. It was written by Paul Kennedy. Non-permanent members of the Security Councils. We all know there are 5 permanent members known as P5 plus 10 non-permanent members jinko elect kiya jata hai. So the answer is 10. The author of the book, The Idea of Justice, it is a very interesting book written by Amartya Sen, jisme he is criticizing the famous scholar John Rawls and his idea and book, A Theory of Justice. So, kabhi kabhar pooch lete hain ki which scholar did he criticize, ya kis book ka critique hai. So, A Theory of Justice, jo John Rawls ki book hai, usko criticize karte huye ye counter book thi, The Idea of Justice. Who is the correct Director General of the World Health Organization? The answer is Tedros Adhanom Ghebreyesus. क्योंकि जब से COVID-19 start हुआ है, you can see news में इनका नाम बहुत बार आया है. He was reappointed in 2021. He was earlier appointed in 2017. He's a very famous guy. आप लोग अगर news follow कर रहे हैं, exam से पहले कोशिश कीजिए जो आपके current आसपास चीजें हो रही हैं, especially COVID-19 was so much in the news. उसके around details आप पढ़ के जाएं. So he was again reappointed in 2022. Next question. Which of the following country withdrew itself from the European Union in 2020? The famous Brexit, I hope you all know. It was United Kingdom. Brexit means Britain plus exit. That Britain exit kar liya. So Brexit uska short form tha. Liberty, equality, fraternity, we all know basic question, what the theme or basic slogan for French Revolution. What OAU, OAS, ASEAN, SAARC have in common? They are military alliances, no. They are agencies of the United Nations, no. They are all regional organizations, yes. So the answer is C. As per Indian constitutional arrangement, fundamental rights have no value without, again, sort of a repetitive question, because abhi humne padha that right to constitutional remedies has been called the heart and soul of the constitution. Ki jab tak aapke paas yehi right nahi hai ki aapko koi right diya hai and you can claim it, tab tak it is all futile. So the answer is Article 32, which is right to constitutional remedies. The Panchayati Raj system came into existence by the 73rd Constitutional Amendment in the year 1993. Who is the chairperson of Niti Aayog? Agar aapko iska answer nahi bhi aata hai, you should know ki Niti Aayog ka chairperson jo hi body established hai, it's the Prime Minister of the country. So aap options mein dekh sakte hain, who is the Prime Minister here? Narendra Modi. Currently Narendra Modi is the Prime Minister. और जो नीति आयोग जो बॉडी है या एडवाइजरी यूनिट है उसका काम यही है कि उसके जो चेयरपर्सन होगा दैट विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ओके, द फर्स्ट जिनीवा कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस इन द ईयर, इट टुक प्लेस इन द ईयर 1864. इस कॉन्फ्रेंस का मेन एजेंडा था कि जो सोल्जर्स वूंडेड सोल्जर्स होते हैं किसी भी वॉर के, उनसे कैसे ट्रीट किया जाए, उनकी कंडीशन को कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि अंडर ह्यूमन राइट्स का जो डेवलपमेंट हुआ कि धीरे धीरे
जो एक वॉर टाइम पे जो आपका स्ट्रक्चर है, जो वॉर टाइम की ट्रीटीज है कि वॉर में कैसे सोल्जर्स को ट्रीट किया जाए उसके रिगार्डिंग था। तो इसका मेन कंसर्न क्या था कि जो वुंडेड सोल्जर्स हैं, आर्मीज हैं, उनको कैसे अपलिफ्ट किया जाए, उनकी कंडीशन को कैसे सही किया जाए। ओके, नेक्स्ट UIDAI, वी ऑल नो इट थ्रू द आधार यूनिट, एस्टैब्लिश अंडर द आधार एक्ट ऑफ इंडिया, स्टैंड्स फॉर, I hope you all know its unique identification authority of India. Okay. Next, Swiss Canal. The famous Swiss Canal that work started in 1859 and around 1869 it was finally done and opened for the rest of the world. It connects two major seas, Mediterranean Sea, yes, and the Red Sea through the Isthmus Canal. So this is your answer. Which treaty officially brought into existence European Union? Very easy question. It was Treaty of Maastricht in the year 1992. Among the following, which country has not claimed any island disputed in the South China Sea? Does China has it? Yes, China has with a lot of countries, especially with Japan, the famous Senkaku Islands, with Vietnam. Yes, it has one. Philippines, yes. In तीनों के साथ it has island dispute. The only option here is India, क्योंकि India does not has an island उतना extended कि उसका South China Sea में China के साथ dispute हो. So remember it is claiming any island and not land. Piece of land dispute तो हमारे साथ भी है, India के साथ भी है, but island dispute नहीं है South China Sea. Next, which of the following amendments to the Indian Constitution has made The right to education a fundamental right. तो पहले right to education किस में आया था, हमने शुरू में देखा article 21A under the 86th amendment. So the answer is 86. The constitutional amendments which included were secular in the preamble. The answer is 42nd amendment. These are very easy questions. हमेशा यही repeat होते हैं. तो अगर आपने enough mock test attempt करे हैं, आपने सही notes पढ़े हैं, classes attend किए हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आप इजीली आंसर कर सकते हैं। Who among the following was the first chief minister of state in India? Again the same question repeated. It was Suchita Kripalani, 1963, उत्तर प्रदेश की सीएम। Match the following. Mao Zedong कहाँ के लीडर थे? It was China. So A का you have second. Thatcher, Thatcherism, we all know United Kingdoms. Fidel Castro, Cuba. And last is Vladimir Lenin. It was Soviet Union, Russia. So 2, 3, 1, 4. C option is correct. Who wrote the book, The Structure of Scientific Revolution? It is a very famous book because it introduced the concept of paradigm shift. Ke kisi bhi जब एक मेजर थ्योरी की वजह से पैराडाइम शिफ्ट आता है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग चेंज होती है, दिस इज अ वेरी फेमस बुक रिटन बाय थॉमस कुन, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, वेयर टॉक्स अबाउट पैराडाइम शिफ्ट और पैराडाइम चेंज, कि हाउ पैराडाइम्स चेंज, जब एक एक्सेप्टेड नॉलेज हो, जो फिक्स नॉलेज हो, फिक्स अंडरस्टैंडिंग नॉलेज हो, उसको एक काउंटर नॉलेज मिले, काउंटर एक आर्ग्यूमेंट आए, और उसकी वजह से जो पूरा डिस्कोर्स है, पूरा पैराडाइम है, वो शिफ्ट हो जाता है या चेंज हो जाता है, एक आपका एक्सेप्टेड डिस्कोर्स ऑफ नॉलेज है वो चेंज हो जाता है। सो द आंसर इज थॉमस कुन। लास्ट क्वेश्चन, विच विल बी द होस्ट कंट्री, अगेन द रिपीटेड क्वेश्चन, द आंसर हियर इज इंडिया। सो आपने देखा कि लास्ट क्वेश्चन था, ये कैसा पैटर्न था, पेपर आई वुड से वाज वेरी इजी, अगर आप लोगों ने प्रॉपरली क्लासेस अटेंड करी है, आपने नोट्स रिवाइज करे, बिकॉज ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था एक्सेप्ट फॉर अ कपल ऑफ फ्यू जिसमें बेसिक जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थे कि जो आपके नोट्स में कवर नहीं था, ऑल दीज थिंग्स वर कवर्ड इन योर नोट्स इन योर क्लासेस, एंड द पेपर वॉज ओवरऑल वेरी इजी। आप लोग इसी तरह का पेपर आगे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट आई वुड से डीयू एंड जेएनयू का पेपर ऐसा नहीं होगा, डीयू एंड जेएनयू में क्वेश्चन और ज्यादा डीप होता है, और ज्यादा कंसेप्चुअल बेस्ड होता है, दिस वॉज मोर डायरेक्ट क्वेश्चन, वो फैक्चुअल बेस्ड, बट डी यू जे एन यू का पेपर थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होगा, बट दिस कैन बी वर्क एज अ प्रैक्टिस पेपर की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके, सो इनकेस आपको इससे रिलेटेड, किसी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है,
आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ये पूरा पेपर एंड इसके जो आंसर स्क्रिप्ट है विद द प्रॉपर आंसर स्क्रिप्ट दैट वी विल शेयर ऑन आवर टेलीग्राम चैनल. आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं बोथ द आंसर्स एंड द क्वेश्चन पेपर ताकि आपको अगर बाद में प्रैक्टिस करना हो आप कर सकें. कोई भी डाउट हो कोई भी क्वेरी हो आप तुरंत अभी भी चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं. द एग्जाम्स आर ऑलमोस्ट हियर, कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एज मेनी मॉक टेस्ट एज यू कैन. अभी तक आप लोगों की रिविजन शुरू हो जानी चाहिए क्योंकि ऑलमोस्ट अब हार्डली 15-20 डेज बचे हैं आपके पास. स्टार्ट रिवाइजिंग योर नोट्स, स्टार्ट सॉल्विंग एज मेनी क्वेश्चन पेपर्स, टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट एज यू कैन बिकॉज दैट विल हेल्प यू सेल थ्रू. ओके, और आपको कोई भी डाउट हो यू नीड एनी हेल्प और सपोर्ट यू कैन ऑलवेज कमेंट दैट एंड वी कैन आंसर यू बैक. ओके, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर दिस वन. विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन. हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग.